हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका सेशन 2020 से 23 है, तो उन सभी छात्रों के लिए इस वीडियो में उनके रजिस्ट्रेशन से जुड़ी बेहद ही खास इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने हेतु जारी किया है, जिसमें आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तिथि स्पष्ट रूप से बताई गई है कि 2 से 15 तक बिना विलंब शुल्क के साथ, 16 से 20 अप्रैल तक सामान्य विलंब शुल्क के साथ और 21 से लेकर 22 अप्रैल तक विशेष विलंब शुल्क के साथ। तो सामान्य विलंब शुल्क आपको ₹30 एक्स्ट्रा देना होगा और विशेष विलंब शुल्क आपको ₹500 एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तिथि है, जो कि आपको ऑनलाइन फिलअप करना है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। लेकिन आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, तो इसके लिए भी तिथि जारी कर दी गई है। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि आप स्वयं भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है lnmuuniversity.in या lnmu.ac.in के माध्यम से। तो इसके लिए जो डेट आपका निर्धारित किया गया है 2 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक बिना किसी विलंब शुल्क के साथ, जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए ₹150 रजिस्ट्रेशन का फीस लगेगा, और जो अदर बोर्ड के छात्र हैं, बिहार बोर्ड के अलावा अन्य स्टेट के छात्र हैं जिनका अलग अलग स्टेट से अलग बोर्ड का वो स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए ₹230 उनको पे करना होगा रजिस्ट्रेशन हेतु। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का अलग अलग चार्ज कॉलेज वाइज अलग अलग होता है। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा बिना विलंब शुल्क के साथ, बिहार बोर्ड के छात्र के लिए ₹150 और अन्य बोर्ड के छात्र के लिए ₹230। और जो आपका 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का समय दिया गया है, उसमें आप सामान्य विलंब शुल्क केवल ₹30 एक्स्ट्रा देकर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है तो। और जो भी आप करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, तो उनका जो हार्ड कॉपी होता है, जो प्रिंट आउट होता है, वो आप अपने कॉलेज में अवश्य सबमिट कीजिएगा, और साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद भी जो उसका प्रिंटेड प्रतिलिपि होगा उसको आपको कॉलेज में सबमिट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरत होगी उसके साथ, क्योंकि अभी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपको 12th का मार्कशीट एवं एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी देना होगा। अगर आप आरक्षण कोटा के स्टूडेंट्स हैं, आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो आपको अपना जातीय प्रमाण पत्र, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, एवं इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये दोनों आपका लग सकता है। आधार कार्ड का जेरोक्स, ये आपको देना अनिवार्य होता है। तो और साथ में फोटो आपको लगेगा, एक या दो फोटो। तो इसके साथ जो है आप अपना जो फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस है, या तो रजिस्ट्रेशन की या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की, तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। तो आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी मिल गई होगी कि आपका रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप होगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग, वो आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक आगे आने वाली वीडियो की जानकारी अप टू डेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।